Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning here biology. It is more than a subject. This session is for class 11th and you know that we are revising the lesson and this is revision part 2. मैंने आपको बोल रखा है 1, 2 या 3 part में I will revise the whole lesson क्योंकि बड़ा lesson है, ठीक है, और इसमें इसको मैं revise करा दूंगा जिससे आप जब तक थोड़ा सा मतलब recall कर सकते हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, हाँ सारी चीज़ें आपको याद आने लगेंगी. उससे क्या होगा कि एक चैप्टर का रिव्यू मिल जाता है कि हाँ हमें इन पॉइंट्स पे और ज़्यादा फोकस करना है. अभी ये फाइलम हमारा कम तैयार है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं सबसे पहले आपको ये लेसन जल्दी से 2 या 3 पार्ट में रिवाइज करा दूँ, फिर नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू अबाउट अप टू द प्लेटीहेलमिंथस एक एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फाइलम दैट इज एसके हेलमिंथस. ठीक है, गलती से लग गया है, एसके हेलमिंथस. तो देख सकते हो ये राउंड वॉर्म होते हैं. एसके हेलमिंथस का मतलब ही होता है राउंड वॉर्म. और इसका जो एक और नाम है दैट इज नेमेटोडा. ठीक है, तो थ्रेड लाइक होते हैं और इनका ट्रांसवर्स सेक्शन ले, ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने आपको बता रखा है. इफ़ वी जस्ट गेट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दीज एनिमल्स देन वी विल ऑब्जर्व दैट दीज एनिमल्स आर राउंड. तो ये एनिमल्स क्या हैं, राउंड वॉर्म है. ठीक है, तो इसीलिए इनको राउंड वॉर्म बुलाते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे एस्केरिस है, पिन वॉर्म है, हुक वॉर्म है, ट्राइकिलिया वॉर्म है. तो बहुत सारे वॉर्म्स इसमें हम लोग स्टडी करेंगे. एसके हेलमिंथस इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ एसके हेलमिंथस नेमेटोडा. ठीक है, 15,000 स्पीसीज लगभग हैं. इनकी जो बॉडी होती है राउंडेड शेप होती है. यहाँ से थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिलेगी हमें, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आ जाएगा, माउथ एंड एनस दोनों ही प्रेजेंट होंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा. आपको याद होगा कि यहीं से हमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्टार्ट हो गया था कि वी कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली. अगर हमें दिखा दिया जाए तो वी कैन आइडेंटिफाई द मेल एज वेल एज द फीमेल. ठीक है, दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, देख सकते हो, विद एनस. ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स जो हेल्प करते हैं फूड के पैसेज में. लेकिन इनकी बॉडी में रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी ये सब सिस्टम नहीं होता. नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है दैट रिप्रेजेंटेड बाय द नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ. देखो, देख सकते हो कि मेल और फीमेल, तो ये वैसे तो फीमेल इज़ लॉन्गर दैन द मेल. अगर हम मेल और फीमेल दोनों को देखें तो फीमेल विल बी लॉन्गर दैन द मेल. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. अनदर डिफरेंस यू कैन सी एट द बॉटम. बॉटम पे देख सकते हो कि किस तरह से ऐसे राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, जिसको हम पेनियल सीटा बोलते हैं, इसी के थ्रू ये गैमेट को रिलीज कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट आ जाओ, माइक्रोस्कोपिक एग्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके ऊपर काइटिनियस एग्स होती हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. अभी तक मोस्टली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता था लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है. ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो एस्केरियसिस डिजीज कास करता है. ठीक है, और ये एंडोपैरासाइट होता है एस्केरी, जो आपने सुना होगा कि पेट में केचुए निकलते हैं, एक्चुअली वो एस्केरियसिस ही होते हैं, एस्केरिस होते हैं, और ये परफोरेट करके वाइटल ऑर्गन्स तक जा सकते हैं. ठीक है, तो ये एस्केरिस के बारे में मैंने बताया था. हुक वॉर्म होता बताया था, इनका जो स्ट्रक्चर होता है हुक की तरह होता है, इंटेस्टाइन में ये फीड करते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और वॉर्म बताया था, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो एलिफेंटियासिस आपको बता रखा है. एलिफेंटियासिस मतलब इसमें जो एबडोमिनल पार्ट होता है बॉडी का इस डिजीज़ में, दैट स्वेल, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं. ये जो वॉर्म्स होते हैं दे आर कैरीड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो. इनको कौन कैरी करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो. और इनके जो लार्वा होते हैं उसको बुलाते हैं माइक्रोफाइलेरियाई. ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे अगर इनको ट्रीट कर दिया जाए देन इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज दे कैन कॉज डेथ. फैटल डिजीज़ है, जहाँ पे भी फैटल वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है डेथ कास करना. जैसे आजकल कोरोना के केस में आप लोग फैटल वर्ड बहुत पढ़ रहे होंगे, फैटल डिजीज़ है, मतलब ये डेथ कास कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो ये कुछ और भी एग्जांपल थे, लोवा जिसको आई वॉर्म बोलते हैं. ठीक है, गाना भी बना सकते हो लोवा. चलो नेक्स्ट आ जाओ, एनिलीडा यहाँ से सेगमेंटेड वॉर्म थे. ठीक है, मतलब जितने भी फाइलम अभी तक हमने पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे, ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें सेगमेंट्स मिले हैं. तो एनिलीडा का मतलब ही होता है सेगमेंट्स. देख सकते हो यहाँ पे इनकी स्किन पे ऐसे लाइनें पड़ी हुई हैं, दीज आर द सेगमेंट. ये सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट हमें इनकी बॉडी को स्टडी करने में भी हेल्प करते हैं. मतलब ये इनकी बॉडी में को डिवाइड तो नहीं करते लेकिन ये इनकी बॉडी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं. कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पार्ट होता है जहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं होता, जिसको बुलाते हैं क्लाइटेलम. तो क्लाइटेलम जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके आगे माउथ होगा, फिर क्लाइटेलम के पास जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो वी कैन स्टडी वेल विद द हेल्प ऑफ द सेगमेंट्स. ठीक है, इन्हीं को बुलाते हैं मेटामेरिज्म.
मेटामेरिज्म या मेटामेयर्स का मतलब हो गया सेगमेंट्स। तो एनिलिडा का नाम क्या पड़ गया, समझ में आ गया। मोस्टली आर फ्री लिविंग होते हैं, कुछ होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब स्किन से अटैच हो जाते हैं, जैसे लीच, ठीक है। इनके पास सबसे पहले लोकोमोटरी ऑर्गन्स डेवलप होने लगे। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब द ऑर्गन दोज हेल्प इन द लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प फ्रॉम फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे मैंने बताया था अर्थवॉर्म में स्किन पे सीटा लगे होते हैं, सीटा मतलब ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सीटा दे कैन मूव। इनके पास दो मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर, इन दोनों मसल की हेल्प से दे कैन मूव, ठीक है। ऑर्गन यहाँ जो ये एनिलिडा है, इसके पास जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, ऑल द ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट एक्सेप्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि पूछा था कि कौन सा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो डेट इज व्हाट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अब्सेंट, अदरवाइज ऑल द ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट। इट मे बी एक्सक्रीटरी, इट मे बी सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, ठीक है। अभी तक कोई भी फाइलम में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल द सिस्टम आर प्रेजेंट एक्सेप्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू होगा। इनकी बॉडी जो होती है, जो इनकी जो बॉडी होती है, स्किन होती है, दैट इज मॉइस्ट, वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लोकोमोशन, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, जैसे नेरिस में पैरापोडिया होता है, अर्थवॉर्म में सीटा होता है, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बताया था कि हाउ द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हेल्प इन द लोकोमोशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द अर्थवॉर्म मूव, ठीक है। अर्थवॉर्म में मूवमेंट कैसी होती है, ये नेरिस है, ठीक है। मैंने जब फ्रेश वीडियो आपको मतलब फर्स्ट टाइम इसको पढ़ाया था, तो गलती से इसको मैंने बता दिया था कि ये गोजर है, लेकिन ये गोजर नहीं है, जो हमें घर में दिखते हैं, ठीक है, वो नहीं होते, ये नेरिस है, एकदम वैसे ही दिखते हैं। मैंने गोजर लाइक बोलना चाह रहा था, लेकिन गलती से मैंने गोजर बोल दिया था, तो उसको कंसीडर कर लेना, ठीक है। उसी की तरह दिखते हैं, लेकिन वो नहीं होते, तो इनको नेरिस बुलाते हैं। इनके पास पैरापोडिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और क्लास आती है जिसका नाम है हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में जो जो मेंबर है हिरुडिनेरिया, जिसको हम लीच बुलाते हैं, दैट इज़ द ब्लड, वो ब्लड को सक करता है, स्किन से अटैच हो जाता है और स्किन से ब्लड को सक करता है। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए मेटानेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडियल ट्यूबल सिस्टम होता है, जो पूरी तरह से बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मैंने यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम बता रखा था कि देख सकते हो ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है, दे ऑल कंप्राइज ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे नर्व रिंग होती है, नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। और ये नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में कम्युनिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब दो अर्थवॉर्म चाहिए होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल तो है, मेल एंड फीमेल गमीट आर प्रोड्यूसिंग इन द सेम बॉडी, बट दो अर्थवॉर्म चाहिए होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे एनिमल्स है, डिस्पाइट दे आर हर्मेफ्रोडाइट बट दे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो दैट इज अर्थवॉर्म, वो अर्थवॉर्म होता है। इनके लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, प्रेजेंट होता है लार्वा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये मैंने बता दिया था कि कैसे दो अर्थवॉर्म कॉपुलेशन शो करते हैं, फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, अर्थवॉर्म के एग्जाम्पल, उसके बाद नेरिस का एग्जाम्पल, हिरुडिनेरिया, ठीक है, जो ब्लड सक करता है, कैटल वगैरह की स्किन पे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, आर्थोपोडा। आर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इनकी जो बॉडी होती है, मतलब उनकी जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनकी, जो अगर आपने एंट को देखा होगा, अगर आपने फ्लाइज को देखा होगा, मॉस्किटोज को जरूर देखा होगा, तो इनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, जे आर जॉइंट टू ईच अदर, एक दूसरे से जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब होता है फीट या अपेंडेजेस, दे आर जॉइंट टू ईच अदर, दैट्स वाई दे आर नोन एज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो एनिलिडा से भी ये ज़्यादा एडवांस हो गए, इनकी बॉडी डिवाइड हो गई, अभी तक सेगमेंटेशन थे, यहाँ पे बॉडी डिवाइड हो गई तीन पार्ट में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है विद अ क्यूटिकल, दैट इज नोन एज काइटिन, दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज ओपन टाइप। ओपन टाइप समझ में आ गया, ऐसे, ठीक है, ओपन टाइप हमेशा जब भी याद करना हो तो ऐसे कर लो, ओपन टाइप है। ओपन टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द कैविटी, दैट इज नोन एज हीमोसील। याद रखना पूरी में, वेर एवर यू आर, एच ए ई एम, हीम, तो इसका मतलब ही होता है ब्लड सेल्स से रिलेटेड, याद रखना।
और जहाँ पे भी सील वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कैविटी। तो हेमोसील का मतलब क्या हो गया, बॉडी कैविटी होती है। तो बॉडी कैविटी होती है जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड मतलब ओपन होता है ना, तो एवरी ऑर्गन बाथ इन द ब्लड, ठीक है, हर एक ऑर्गन जो स्पेस होता है उसमें ब्लड चला जाता है और एवरी ऑर्गन टेक अ बाथ इन द ब्लड। रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स होती है, ट्रैकिया होते हैं, ये मैंने बताया था कि किस तरह से बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये बुक लंग्स कैसे होते हैं, एकदम बुक की तरह होते हैं, जैसे बुक के पेजेस होते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बुक लंग हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। गिल्स होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने बता रखा था कि कैसे जो है जो फीकल मैटर है वो कैसे नेफ्रीडियल ट्यूब्स के थ्रू बाहर आता है, ये सारी चीज़ें। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्रीशन शो कर रहा है, तो जो मालपिगियन ट्यूबल्स होती हैं वो कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, दे कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल एंड द वेस्ट मटेरियल कम आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, उसी के थ्रू फीकल मैटर और यूरिन दोनों ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये दिखा रखा था मैंने कि मालपिगियन ट्यूबल कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। मेन एक्सक्रीटी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज होती हैं, कंपाउंड आई और सिंपल आई होती हैं, विदाउट आईलिड इनके पास आईलिड नहीं होते, स्टेटोसिस्ट दैट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट होते हैं, मेल मॉस्किटोज अलग होते हैं, मेल कॉकरोच अलग होते हैं, इस तरह से सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ओवी पैरस होते हैं, लेकिन कुछ जैसे स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं, ठीक है। ये हो गया आर्थ्रोपोडा के बारे में। ये लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा मैंने बताया था, जो क्रैब है, जापानीज क्रैब है, ये क्या है, लार्जेस्ट आर्थ्रोपोड अभी तक का रिपोर्टेड है। इसके बारे में फिजिकल फीचर मैंने लिख रखा है आगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ये कुछ डिजीजेज हैं दैट इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बॉर्न है। मॉस्किटो बॉर्न का मतलब है कि यहाँ पे वैसे बी ओ आर एन ई होगा, ठीक है, बॉर्न जो उसको कैरी करते हैं, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं, ठीक है, जो मॉस्किटोज कैरी करते हैं। अब देख सकते हो कितने सारे डिजीजेज हैं जो मॉस्किटो के बाइट के वजह से होती है, क्योंकि मॉस्किटो उसको कैरी करता है। मॉस्किटो डिजीज नहीं कास्ट करता, लेकिन जो मॉस्किटो पैथोजन को कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल्स कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखे थे मैंने, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिविंग फॉसिल लाइमुलस। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आइडेंटिफाई द लिविंग फॉसिल दैट इज लाइमुलस, इसको किंग क्रैब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मोलस्का। मोलस्का को मैंने बताया था मुलायम, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, यही एनिमल्स होते हैं जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। अब देखो, सॉफ्ट बॉडीड होगी तो इनके ऊपर क्या होंगे, ये पर स्केलेटन लेयर होगी विच विल बी प्रोटेक्टिव लेयर, जो हार्ड कैल्सेरियस लेयर होगी। ऑक्टोपस एक ऐसा मोलस्का है जिसके ऊपर कोई हार्ड लेयर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इनकी भी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, इनको हम डेकोरेशन में, ऑर्नामेंटल में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने देखा ही होगा, यूज़ करते हैं रिलीजियस अपने उसमें, ठीक है। तो इससे जो साउंड रिलीज होता है, कहते हैं वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। उसके बाद इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, फूट एंड मस्कुलर विस्करल हम। विस्करल हम का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, उसके ऊपर एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है मेंटल। मेंटल और विस्करल के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। लोकोमोशन के लिए मस्कुलर फूड्स होते हैं, ठीक है, दे आर अवेलेबल। इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज़ आल्सो ओपन टाइप, और इनका ब्लड ब्लू इन कलर होता है, क्योंकि इनके बॉडी में इनके रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है दैट इज़ हेमियोसाइनिन। तो हेमियोसाइनिन एक ब्लू कलर पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इनका ब्लड कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। रेडुला, इनके पास एक रेडुला एक ऑर्गन होता है, मैंने इनका बॉडी डिज़ाइन बता रखा था कि देख सकते हो मेंटल है, फिर विसरल हम्प है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब विसरल हम्प में आ जाते हैं। उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, दैट इज़ नोन एज मेंटल कैविटी, जिसको मेंटल कैविटी बुलाते हैं। गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेडुला ये एक रेस्पिंग ऑर्गन है, ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, जैसे हमारे पास टंग होती है कि माउथ से फूड आता है फिर टंग उसको मूव करती है, सेम एज दे आर हैविंग रेडुला, इनके पास रेडुला होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बता ही दिया, हेमियोसाइनिन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं, मेटानेफ्रीडिया होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप होता है, देख सकते हो मैंने बता रखा था कि रेडुला कैसे एक्ट करता है इन द फूड, फूड इनटेक में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। ये मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में बता रखा था कि बक्कल नर्व होती है, फिर ब्रेन, ब्रेन में तीन नर्व प्रेजेंट होती है, सेरिब्रल, प्लूरल और पेडल, ये तीनों नर्व होती हैं, और ये नर्व जो होती हैं पैराइटल और विसरल पार्ट से अटैच होती हैं, इसका मतलब है पूरी बॉडी से कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है, मेनली माउथ के पास गिल्स प्रेजेंट होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सेंस ऑर्गन्स में आईज हैं, स्टेटोसिस्ट हैं, कीमोरिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। आफ्टर दैट
Come to the next phylum, that is Echinodermata. ठीक है, Echinodermata is known as what? Spiny skin. ठीक है, आपको पता है यहाँ पे एकाइन का मतलब क्या हो गया, Echinodermata का मतलब क्या हो गया, दे आर हैविंग स्पाइनी, एंड डर्मा का मतलब क्या हो गया, लेयर. तो स्पाइनी स्किन होती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज Echinodermata. इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, Echinodermata बुलाते हैं. Echinodermata के बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से नहीं थे, बहुत ईजी कैरेक्टरिस्टिक थे, मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ. इनकी जो सिमेट्री होती है दैट इज रेडियल, ठीक है, लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है दैट रिप्रेजेंट द बाइलेटरल सिमेट्री. तो इट मीन्स दैट दे एग्जिबिट टू टाइप ऑफ सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा एंड रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ से इनके ऊपर कैल्सेरियस एंडोस्केलेटन होता है, ऑसिकल्स होती हैं. ऑसिकल्स जहाँ पे भी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, ऑसिकल्स में क्या हो रहा है कि दो पार्ट कनेक्टेड है, मतलब बोन्स के जो पार्ट हैं, जैसे ईयर ऑसिकल्स में तीन बोन होती हैं, सेम एज अगर बोन्स में है, बोन्स के पार्ट इंटरकनेक्टेड है तो उसको हम बुलाते हैं ऑसिकल्स के नाम से बुलाते हैं. ठीक है, मोस्टली जो वाटर सिस्टम इनमें, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, उसी के थ्रू इनकी बॉडी में मूवमेंट भी होती है. ट्यूब फीट सिस्टम देख सकते हो यहाँ पे, इनके बॉडी में ट्यूब फीट होती है. जैसे इनके बॉडी में वाटर आता है, ये जो ट्यूब फीट होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, एंड दे हेल्प इन द लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. देख सकते हो किस तरह से ट्यूब फीट जो है, जब इसमें वाटर फिल हो जाएगा तो ये ट्यूब फीट इस तरह से मूव करने लगेंगे. ठीक है, ट्यूब फीट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मच रिड्यूस होता है, मतलब मोलस्का के बाद एक ऐसा फाइलम है जो कम एडवांस हो गया. मोलस्का तक देख सकते हो अब एडवांसमेंट बढ़ी, लेकिन यहाँ तक आते आते एडवांसमेंट कम हो गई. ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कुछ फाइलम्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स इनमें भी थे, क्लियर. तो इस तरह से इनका हो गया. सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लार्ज गोनेट्स होते हैं. फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है. ऑटोटॉमी का मतलब होता है कि ये अपने बॉडी पार्ट को खुद से क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं. ऑटोटॉमी देखो बायोलॉजी में जहाँ पे भी टॉमी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पार्ट कट हो रहा है और वो फिर से रिपेयर हो रहा है, मतलब कट हो रहा है. ऑटोटॉमी का मतलब हो गया वो कट हुआ फिर से रिपेयर हो गया. जैसे अगर हम अपने नेल्स को कट करते हैं तो नेल्स अपने आप फिर से क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं. तो इसी को बुला सकते हैं हम ऑटोटॉमी, क्लियर है. तो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट, मैंने आज एसके हेल्बेंथस से Echinodermata तक रिवाइज करा दिया. ठीक है, ये रिवीजन कंप्लीट हो गया आपका, और अब बचा केवल कॉर्डेट और वर्टिब्रेट, जो एक नेक्स्ट रिवीजन फेज में मैं उसको रिवाइज करा दूंगा पूरा, तो वो लेसन भी रिवाइज हो जाएगा आपका, क्लियर है. तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हाउ डिड यू लाइक द सेशन, रिवीजन सेशन कैसा लग रहा है, एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना. ठीक है, एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम. स्टे एट योर होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय.